जब जब विलियन बनाई है एक्टर, लोगों की रूह कांप जाती थी। हॉलीवुड में भी किया काम, कल नायक की देख लंकापति को भूल जाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही कमाल की वीडियो को, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म आदि पुरुष में सैफ अली खान लंकापति के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर में उनका लुक देख कर फैंस काफी एक्साइटेड है। लेकिन अमरीश पुरी इकलौते ऐसे एक्टर थे जिनकी सिल्वर स्क्रीन पर खलनायकी का आज भी कोई सानी नहीं है। वह सिर्फ अपने लुक से लोगों को डरा देते थे। अमरीश पुरी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कई बार ऐसे खतरनाक रोल किए हैं, पर्दे पर उनका लुक देखकर ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। अमरीश पुरी ने साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म लोहा में नेगेटिव रोल निभाया था। उनका लुक और एक्टिंग देखकर लोगों के होश उड़ गए थे। फिल्म में अमरीश पुरी का अंदाज काफी अलग था। उनका हेयर स्टाइल और मोटी मोटी बोहे ने लोगों को डरा दिया था। और आपको बताते, फिल्म नायक में अमरीश पुरी ने भ्रष्ट मुख्यमंत्री का रोल निभाया था। इसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। फिल्म नायक में अनिल कपूर, रानी मुखर्जी ने लीड रोल निभाया था। सिल्वर स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ही पसंद किया। अमरीश पुरी हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिगड़ चुके थे। उन्होंने साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म इंडियाना जोन्स में मोलाराम नाम के तांत्रिक का रोल निभाया। हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अमरीश पुरी का लुक बड़ा डरावना था। इनके अलावा अमरीश पुरी ने श्रीदेवी की फिल्म नगीना में भैरवनाथ का किरदार निभाया था। इसमें उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। उनके दमदार लुक ने सभी का ध्यान खींच लिया था। इस फिल्म में श्रीदेवी नागिन के रोल में नजर आई थी। और अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया साल 1987 में रिलीज हुई थी, जो आज भी लोगों को याद है। मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी का ट्रेंडिंग स्टाइल और हेयर स्टाइल लोगों को खूब भाया। फिल्म का डायलॉग मोगे मुकुश हुआ आज भी लोगों के जेहन में है। तो दोस्तों, आपको सैफ अली खान और अमरीश पुरी के लुक में से सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।